अब है कि इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी जो काजेज है फॉर द फ्लड, क्या क्या काजेज है जिससे वल्नरेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी और इंडिविजुअल इंक्रीज होती है टूवर्ड्स अ फ्लड डिजास्टर। तो पहले ये है इनडिस्क्रिमिनेट एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता है जो भी लैंड अवेलेबल होता है फॉर सम डिफरेंट पर्पस, उसको एनक्रोच करना। जैसे सड़क, किसी ने उस पर दुकान बना लिया, दैट इज़ एनक्रोचमेंट। मकान बना दिए, दैट इज़ एनक्रोचमेंट। कोई ऐसा इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए कोई ऐसा लैंड अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एक फ्लड चैनल है जिसको एक इकोलॉजिकल सर्विस, फॉर एग्जांपल फ्लड जो मैनेजमेंट फ्लड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको एनक्रोच करना। तो वहाँ पे जब घर बनाते हैं लोग, तो उसकी वजह से जब फ्लड्स आते हैं तो वहाँ पे फिर फ्लड जो लॉस होता है, मतलब प्रॉपर्टी लॉस होता है ड्यू टू फ्लड्स। तो एनक्रोचमेंट इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट। तो उसके बाद इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन फ्लड प्लेन्स। बेसिकली जो फ्लड्स जो फ्लड का इम्पैक्ट बढ़ जाता है जब हम फ्लड प्लेन्स हम एक्टिविटी करते हैं। फ्लड प्लेन्स में हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, या और भी डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे घर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल चेन्नई एयरपोर्ट है, वो उसमें फ्लड आता है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1716 में जब फ्लड्स आए तो एयरपोर्ट में पूरा पानी घुस गया था। तो आई गेस कि वहाँ पे एयरपोर्ट भी एक फ्लड प्लेन एरिया में उन्होंने बनाया है। तो ड्यू टू दैट तो जो ऑपरेशन है फ्लाइट्स का, यूजुअली जो एयरपोर्ट होता है हायर एलिवेशन पे होता है। तो ऐसी ही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो फ्लड प्लेन्स में होती है, इससे भी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है टूवर्ड्स द फ्लड डिजास्टर। लैक ऑफ रेगुलेशन, इट्स वेरी कॉमन इन कंट्रीज। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसको जो मर्जी है वो वैसा करता है। तो जैसे कोई पैडी फील्ड है, दैट इज़ ऑल्सो फ्लड प्लेन बिकॉज वो है, उसमें हम ग्रो करते हैं पैडी। उसमें जो वाटर लेवल है यूजुअली और हाफ ऑफ द सीजन जो है उसमें वाटर रहता है, तो दैट इज़ मोर वल्नरेबल टू फ्लड प्लेन्स फ्लड्स। तो अगर हम वहाँ पे घर बनाएंगे तो ओबियसली वहाँ पे जब फ्लड्स आएंगे तो हमारे जो वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स द डिज़ास्टर, फ्लड डिज़ास्टर इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी रेगुलेशंस होनी चाहिए जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, फ्लड प्लेन्स है, ऐसा कोई एरिया है दैट इज़ मेंट फॉर सम सर्विस, जैसे फ्लड मैनेजमेंट एक इकोलॉजिकल सर्विस है, तो उसको रेगुलेट किया जाए बाय द लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसे कोई भी बाहर से कोई भी बंदा आके वहाँ पे घर बनाएगा तो ऐसा नहीं है। जैसे श्रीनगर में खुशहाल सर है, तो देयर इज़ कि 70 to 90% जो एरिया है उसका अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। पूरा जो इलाका है एक वेटलैंड है, दैट इज़ मेंट फॉर बेसिकली जो एक पार्ट था डल का, आप कट हो गया वहाँ से, तो दैट वाज मेंट ओनली फॉर द फ्लड मैनेजमेंट। जो हमारे वेटलैंड्स है जैसे डल लेक है, वुलर है, दे एक्ट एज बफर्स फॉर द फ्लड्स। जब फ्लड आता है वो पूरा पानी अपने जो है उसमें बॉडी में समा लेते हैं, जो भी हमारे कृषि पर नाम बलछवाना है, वो दैट इज ऑल्सो है उसकी जो इकोलॉजिकल सर्विस है, उसको वेटलैंड बोलते हैं। फ्लड मैनेजमेंट में उसका बिगेस्ट रोल है। तो अगर हम ये रेगुलेट नहीं करेंगे, इनका यूज़ रेगुलेट नहीं करेंगे, ओबियसली जो इसमें एनक्रोचमेंट होगी तो जब अल्लाह ताला का कहर आ जाएगा तो ये पूरा फिर जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ किए होंगी, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, उनको नुकसान पहुँचेगा। तो फिर इन एडुकेट ड्रेनेज, इट इज़ रिलेटेड टू द सिटीज़। बेसिकली जो ड्रेनेज सिस्टम है सिटीज़ का, तो अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ड्रेनेज सिस्टम है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट दैन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे एक बड़ा सा उन्होंने एक टनल जैसा बनाते हैं, जो भी ड्रेनेज वाटर है बड़े पाइप्स बेसिकली होते हैं, वहाँ से पानी निकलता है। एंड दैट आल्सो सर्व्स एज जो वहाँ पे टेलीफोन लाइंस, पावर लाइंस जो भी है वहाँ से उनको अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली एक छोटी सी नाली बना दी और उसका कोई
कोई भी लेवलिंग वगैरह नहीं की कि पानी अगर इसमें जाएगा तो आगे कैसे उसको निकाले फिर, तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं रखा उन्होंने। तो फिर वगैरह मोटर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो अगर इनफेक्टिव ड्रेनेज हो, बेसिकली जो हमारा रेनी सीजन होता है जब बारिश गिरती है सड़क पे, वो पानी जमा होता है, देन देयर शुड बी एन इफेक्टिव मैकेनिज्म जो वो बारिश का पानी है वो ऑटोमेटिकली ड्रेनेज सिस्टम के जरिए वो उसको पंप आउट किया जाए टू द रिसीविंग वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स एंड लेक्स में जो रिसीविंग वाटर बॉडीज होती है। तो अगर किसी भी लोकेशन में इन इफेक्टिव ड्रेनेज है, जैसे यहाँ पे फिर उनको पंप्स लगाने पड़ते हैं, तो हवा फिर पंप इन करना पड़ता है मेन होल्स में, जो उनका ब्लॉकेज वगैरह है वो निकालना पड़ता है। तो इनफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम अगर होगा तो उससे भी फ्लड्स की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो अगर अर्बन एरियाज में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया तो घरों में पानी घुस जाएगा, बाथरूम की जो वो होता है जो पाइप्स होते हैं जिससे हमारा सीवेज बेसिकली ड्रेन्स में चला जाता है, तो उसी से पूरा फ्लड वाटर अंदर आ जाएगा, जो भी ड्रेनेज अगर ब्लॉक हो जाएगी कहीं की, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी। उससे भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती है, फिर स्मेल होता है, लॉस ऑफ जो सीपेज होता है, टू द सीपेज होता है सो स्रेह चु गसान कशिर पुरुष पूरे दीवार सिर है गसा, उसको सीपेज बोलते हैं। देन इड इन एडवोकेट मेंटेनेंस, तो अगर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की फ्लड्स को रोकने के लिए, जैसे हमने वॉल्स बना दिए, सी वॉल्स बना दिए, या हमने बंट्स बना दिए, या कैचमेंट एरिया में कुछ एक्टिविटीज़ की, एंड दे नीड रेगुलर मेंटेनेंस। अगर हम घर बनाते हैं तो 2 4 साल में एक बार हम रंग रोगन भी करते हैं, खिड़कियों को साफ भी करते हैं, दैट वी कॉल मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना। अगर वो नहीं करेंगे तो दीवारों पे जो खिड़कियों पे बाहर से डस्ट जमा होगा, उस पे फिर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, वो काई जिसको बोलते हैं, वो ग्रीनिश जो मैट होता है एल्गी का वो चढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे देन देर विल बी द मोर वल्नरेबिलिटी दैट डिजास्टर कुड फ्लड डिजास्टर कुड हैपन। देन लैक ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस, एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉमन जो है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है बेसिकली, कि हम कितना प्रिपेयर है टूवर्ड्स द डिजास्टर, फिजिकली हाउ मच प्रिपेयर वी आर ऑन ग्राउंड टू द डिजास्टर। अगर ये हम लैक ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस ज़्यादा हो, देन देयर विल बी मोर वल्नरेबिलिटी टू द फ्लड डिजास्टर। देन इसका अप्रोच, देन फ्लड मैनेजमेंट का अप्रोच क्या है? तो फ्लड्स कैन नॉट बी, हम मतलब फ्लड्स जब आएंगे उसको हम एब्सोल्युटली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नहीं हम कह सकते हमने बंट्स वगैरह बनाए तो फ्लड्स कंट्रोल हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। ये हमें कभी पता नहीं है कि कितनी टाइप की बारिश आ जाएगी, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो उससे क्या हमारी वाटर बॉडीज बेसिकली जो रिवर्स की जो कैपेसिटी होती है और हमारी जो लेक्स की कैपेसिटी होती है, जैसे डल लेक है, वुलर लेक है, इनकी एक एज होती है, हर किसी वाटर बॉडी की एज होती है। जैसे ड्रेजिंग करते हैं रिवर जहली में, ड्रेजिंग से क्या होता है, उसका जो मलबा होता है, रेत होती है, सैंड होता है, और उसका जो मड होता है जो उसके बेड पे एक्यूमुलेट होता है, उसको हम डिफरेंट जो एजेंसी से हम वो निकालते हैं, मशीन से निकालते हैं, मैनुअली जो भी जो मजदूर वगैरह है वो निकालते हैं, उससे क्या होता है दरिया की जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती है, तो उसकी जो कैपेसिटी ऑफ द फ्लड जो वाटर को एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे देन जो उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होगी, एंड देन जब थोड़ी सी भी बारिश होगी तो बर्न से ओवरफ्लो हो जाएगा पानी, एंड कभी कभी बर्न्स भी ब्रेक हो जाते हैं, एंड दैट इज़ अ मेन काज ऑफ फ्लड्स। तो फिर पूरी जो हमारी डोमेस्टिक जो हमारी सोसाइटी है, जो जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारी कॉलोनीज वगैरह है, घर वगैरह मोहल्ले, उसमें पानी घुस जाएगा, दैट विल बी द हैवक। सो इसके अलावा जो लेक्स वगैरह, इनकी भी एज होती है। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है कॉलेज से। हेलो, वालेकुम सलाम, तुझे ठीक?
चलिए सॉरी कॉल। तो मैं कह रहा था जो हमारे आवाज आ रही मेरी। जी ओके, सर तो हमारे जितने भी लेक्स वगैरह है इनकी भी एक एज होती है। दे ऑल्सो नीड ड्रेजिंग वगैरह जो है उनका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इंक्रीज करने की कैपेसिटी, दे ऑल्सो नीड काइंड ऑफ जैसे वुलर लेक में बिल्कुल आई गेस उसमें ड्रेजिंग वगैरह नहीं होती है। देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स उस पे बट स्टेट गवर्नमेंट वॉज नॉट सीरियस अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स। उसमें फॉरेन कंपनीज आई थी कि वो उसमें ड्रेजिंग वगैरह करेंगे बट देर वर सम क्लॉज कि वो कैसे अपना इनकम उससे जनरेट करेंगे। बट दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। मेरा कहने का मतलब है रिलेटेड टू फ्लड मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे वुलर लेक में या डल लेक में ये सब चीज़ें हो जाए देन देर विल बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फ्लड मैनेजमेंट। तो फ्लड को बिल्कुल हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बट मैनेज कर सकते हैं समहाउ कि हम जैसे फ्लड आएगा तो बिल्कुल हम रोकेंगे ऐसा कुछ नहीं है बट मैनेज कर सकते हैं और जो लॉस है टू द प्रॉपर्टी एंड द लाइफ उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, मॉडिफाई द फ्लड्स। मॉडिफाई मीन्स कि उसका जो फ्लो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं थ्रू फ्लड चैनल्स। तो मॉडिफाई कर सकते हैं जो हमारी जैसे हमारी सोसाइटीज़ है जहाँ पे हम रहते हैं कॉलोनीज वगैरह वहाँ से किसी और लोकेशन में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। मॉडिफाई द ससेप्टेबिलिटी टू फ्लड डैमेज। ससेप्टेबिलिटी मीन्स कि जो खतरा है टू द फ्लड उसे डिक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम घर जो है फ्लड प्लेन में नहीं बनाएंगे। अगर वहाँ पे फ्लड प्लेन नहीं है फिर भी फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते हैं तो घर ऐसे बनाएंगे पिलर्स पे नीचे का पूरा खाली रहेगा। तो उससे जो ससेप्टेबिलिटी है टू द फ्लड्स डैमेज जो है वो डिक्रीज होता है। मॉडिफाई द लॉस बर्डन। मॉडिफाई करना जैसे फ्लड बेसिकली एक्टिविटीज जैसे लॉस हो जाएगा तो उसका जो खामियाजा कौन देगा, खामियाजा कौन देगा। जैसे गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स वगैरह है वो लॉस को वो पूरा उसका नुकसान उठाती है, रिलीफ पैकेजेस वगैरह देती है। ऐसे कुछ और इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करनी है तो बियर द लॉस। फिर जैसे अब किसी को नुकसान हो गया तो फिर उसको कुछ ऐसी रिलीफ कोई स्कीम वगैरह नहीं है उसको वो नुकसान सहना पड़ता है एंड ही हैज़ टू डू समथिंग एल्स। कभी कहीं पे खेत वगैरह बेच दिया फिर से मकान बना दिया इस टाइप का लॉस। तो ये पूरी स्ट्रेटजीज है कैसे हम फ्लड्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में कि जो फ्लड मैनेजमेंट के रिलेटेड काम करती है। पहले ही है स्टेट फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स जैसे हमारा PHE है, PHE एंड फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट। ये दोनों एक ही है, एक ही डिपार्टमेंट में दो सब डिविजन्स है, दो ब्रांचेस है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्टिविटी करते हैं जैसे वो हमें डिफरेंट जब फ्लड्स का जो थ्रेट होता है अलर्ट होता है तो डिफरेंट स्ट्रीम्स में क्या लेवल है पानी का वो हमें अनाउंसमेंट मिलती है न्यूज़ से या जो ऐप है इनका फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट का उस पे भी ऐप पे भी आता है। तो दिन में दो चार बार मेजर करते हैं तो उसको अपडेट करते हैं। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन ये डील करता है विद ऑल द काइंड्स ऑफ द वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो इस पे ये काम करता है जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है यूनियन बेसिकली सेंट्रल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन डिपार्टमेंट, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन डिपार्टमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट है। ये सब इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इसके साथ काम करती है। बेसिकली वो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है ऑल द मॉडेलिटीज किस स्टेट में क्या कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है एंड इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको भी लुक ओवर करता है सेंट्रल वाटर कमीशन। फिर गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, ये बेसिकली जो गंगा के रिलेटेड बहुत सारे फ्लड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसको फोर्स में लाया गया। एक है गंगा रिजनरेशन कमीशन भी एक है। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो गंगा पे काम करते हैं। गंगा रिवर बहुत बड़ा है
एंड इट सर्व्स जो पूरी स्टेट्स है फ्रॉम द उत्तराखंड टू वेस्ट बंगाल. उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है. तभी इस पर एक अलग से कमीशन बनाया, बिकॉज जो भी इसको ये इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए, इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं. तो पूरा जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है, तो ये गंगा के फ्लड से बहुत इम्पैक्ट होता है. अगर उसमें फ्लड वगैरह आया, तभी इस पर एक डिफरेंट कमीशन बनाया, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इसमें करती है. फिर ब्रह्मपुत्र बोर्ड है. ब्रह्मपुत्र बेसिकली जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया, जो वाटर वहाँ से आता है चाइना से, ओके, अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम वगैरह, तो उसका भी डिफरेंट बोर्ड्स है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन जो है, ये भी इसमें काम करते हैं. बेसिकली आपका ओवरव्यू देना है क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम करते हैं. फिर फ्लड जो मैनेजमेंट मेजर्स है, देर आर टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स. तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में फिजिकल वर्क जैसे मॉडिफाई करना, मैग्नीट्यूड जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना, जैसे डैम्स वगैरह बनाना, उसकी जो फ्लो है डिक्रीज हो जाता है फ्लड का, या स्टोर करते हैं तो फ्लड्स को बेसिकली जो लोग उसे उसको दूर रखना, तो ये स्ट्रक्चरल मेजर्स है. फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में प्लान एक्टिविटीज़ टू मॉडिफाई ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्लड डैमेज, जो मैंने कहा फ्लड प्लेन्स में जो घर वगैरह बनाते हैं, रेगुलेशंस बेसिकली गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या होंगे उसमें, उससे भी जब लोग घर नहीं बना पाएंगे फ्लड प्लेन्स में, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी फ्लड प्लेन्स में, उसको कंजर्व किया जाएगा, देन देयर विल बी जो है लेस डैमेज बिकॉज ऑफ फ्लड्स, एंड दैट विल बी काउंटेड इन नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स. तो फ्लड मैनेजमेंट, अब स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या क्या आते हैं, जब मैंने वो थोड़ा सा अभी बताया आपको, उसमें डैम्स, रिजर्वायर्स आता है, एम्बैंकमेंट्स. एम्बैंकमेंट्स होता है उसको पानी को थोड़ा सा उसकी स्पीड कम करने के लिए एक छोटा सा वॉल बना दिया है, उससे भी डिक्रीज होती है स्पीड. जो ऊपर से पानी आता है बहुत फोर्स के साथ आता है, अगर आप अहरवल गए होंगे तो वहाँ पर जो पानी है बहुत तेज चलता है. दैट इज़ बिकॉज उसका जो ढलान है, उसका जो स्लोप है बहुत स्टीप है वो, तो उसकी वजह से जो फोर्स है ऊपर का पानी का वो भी तेज़ आता है. उस फोर्स को डिक्रीज करने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं उसको, उसका जो फ्लो है कम करने के लिए. जो चैनल इम्प्रूवमेंट्स, जो फ्लड चैनल्स होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ड्रेजिंग करने के लिए, उसकी जो डेप्थ है इंक्रीज करने के लिए. फिर रिवर डाइवर्जेंस, अगर हमें लगता है कि ये कोई रिवर में फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते हैं, तो हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं फ्लड वाटर को. ऐसे डिफरेंट एक जैसे रिवर लिंकिंग प्रोग्राम बना है इंडिया में, तो उसमें डिफरेंट जो रिवर्स का पानी डाइवर्ट किया गया है, फिर एक पॉइंट पे उसको मिलाया गया है, फिर से डाइवर्ट किया गया है, उससे क्या होता है फ्लड का जो मैनेजमेंट होता है, ज़्यादा पानी एक ही साइड से नहीं चला जाता है. फिर इंटर बेसन ट्रांसफ़र. इंटर बेसन ट्रांसफ़र वही है जो रिवर लिंकिंग प्रोग्राम है, जो बेसन है दो दरियाओं का वो मिलाया जाता है, तो एक जो भी उनका एक कॉरिडोर होगा उससे पानी चला जाएगा फ्रॉम वन रिवर टू अनदर रिवर. फिर एंटी इरोजन एक्टिविटीज़, एंटी इरोजन वर्क्स जो हम करते हैं, डैम्स वगैरह अपर एलिवेशंस में बनाते हैं, तो ये उसमें आता है. तो ये था फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रक्चरल मेजर्स. फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर में फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग देना है, फ्लड प्लेन जोनिंग जो मैंने कहा उसमें रेगुलेशंस वगैरह करना, फ्लड फाइटिंग, फ्लड प्रूफिंग, फ्लड इंश्योरेंस, फ्लड जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, ये सारी नॉन स्ट्रक्चरल जो मेजर्स है इसमें. अब एक एग्जाम्पल है फ्लड प्लेन जोनिंग कैसे करेंगे. जैसे ये एक स्ट्रीम बह रही है, नॉर्मल कंडीशन फ्लड में नहीं है, तो अब हम यहाँ पे एक फिर जोन बनाते हैं, जोन थर्ड, जोन सेकंड एंड जोन वन. जो जोन वन है ये बहुत सेफ होता है, इसमें फ्लड्स अगर आएंगे भी वहाँ पे फ्लड नहीं पहुँचेगा. अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अगर ज़्यादा वॉल्यूम में पानी आ जाएगा दैट विल बी नॉट मैनेजेबल, तो यहाँ पे पानी आ सकता है एंड यस उतना नहीं आएगा बिकॉज दिस जोन वन एलिवेशन देन दिस. फिर जोन सेकंड, तो उसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन में हमने दिखाया फ्लड वंस इन 100 ईयर्स, इसमें 100 साल में एक बार फ्लड आता है.
जो ये है इसमें 100 साल 25 साल में एक बार आता है, इसमें फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते हैं। जो जोन थ्री है इसमें फ्रीक्वेंटली आ गया तो थोड़ा सी भी बारिश हो जाएगी मानसून की सीजन में तो इसमें फ्लड्स आ जाएगा। तो नॉर्मली ये पार्ट ही होता है इसका रिवर का। तो जब लीन सीजन होता है, जब स्नो कम मेल्ट होता है, रेनफॉल जैसे अभी लीन सीजन चल रहा है, जो ग्लेशियर्स उतने मेल्ट नहीं हो रहे हैं, रेनफॉल भी नहीं हो रही है, तो रिवर्स में और स्ट्रीम्स में पानी बहुत कम है। एंड डेप्थ इज ऑल्सो, उसमें उतना पानी नहीं होता है कि जैसे हमारा जो समर्स में होता है, जैसे रेनफॉल होती है, तो समर्स में पानी यहाँ तक आ सकता है, मीन सीजन में यहाँ तक नॉर्मल जो रिवर्स बहते हैं नॉर्मल, उसमें जितना उसका पानी बहता है उसमें नॉर्मल कंडीशन। तो वैसे ही हम जैसे हॉस्पिटल जोन 1 में रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ फॉर जो हमारा पेशेंट्स वगैरह है। वाटर सप्लाई, बेसिकली वाटर सप्लाई जोन 1 में ही रखना चाहिए, बिकॉज अगर फ्लड्स आएंगे भी तब भी फ्रेश वाटर अवेलेबल हो जाएगा कम्युनिटीज़ को। जो यहाँ पे ऑफिसेस रख सकते हैं हम जोन 1, जोन 2 में, फिर रेजिडेंशियल एरिया जो है जोन 1 है जोन 2 में होना चाहिए, जोन 3 में कभी नहीं होना चाहिए। जोन 3 में पार्क्स होने चाहिए। पार्क्स का क्या है, वो एक लैंड होता है, उसका थोड़ा सा लैंडस्केप होता है डेवलपमेंट, उतना वो इम्पैक्ट नहीं करता है। यूजुअली जो भी पार्क्स आपने देखी होगी एडजेसेंट टू द रिवर्स, वो बिल्कुल दरिया के किनारे, बिकॉज दैट विल बी ए गुड एम्बियंस, जैसे व्यू बनता है यहाँ पे पानी बहता है, फिर यहाँ पे लोग खेलते हैं, बैठते हैं, वो एक एस्थेटिक माहौल बनता है। शाम के वक्त जब गर्मियों के सीजन में दरिया के किनारे पार्क में बैठेंगे तो ठंडी हवा चलती है, एंड दैट्स द कंसेप्ट बेसिकली, जो पार्क्स को एडजस्ट टू द रिवर जो स्ट्रीम्स वगैरह बनाया जाता है। एंड फैक्ट्रीज को जोन 1 में, पावर हाउस को जोन 1 में, यूनिवर्सिटीज को भी जोन 1 में ही प्रेफर किया जाएगा। तो ये था जोन एक एग्जाम्पल कैसे हम फ्लड जोन प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिर एक और इसमें डायग्राम है कि इसमें पूरा प्रोहिबिटिव है जोन 3 में, इसमें बिल्कुल भी हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, एंड पूरा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कर सकते हैं बट ऑल द मेजर्स जो हमने जैसे घर उस हिसाब से हमें बनाना चाहिए, बिकॉज 25 साल में एक बार नॉर्मली यहाँ पे फ्लड आते हैं। फिर यहाँ पे वार्निंग बेसिकली, जब फ्लड ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे वार्निंग दे सकते हैं, हाँ फ्लड आएगा आएगा तो, बट दे आर नॉट मच फ्रिक्वेंटली इन जोन। तो इससे आपको पता चलेगा कि रिवर है, इसकी ये डेप्थ है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल इतना हो जाएगा यहाँ इस लेवल तक, तो अगर ज़्यादा फ्लड आ जाएंगे तो यहाँ तक हो सकता है, अगर ज़्यादा कहर आ जाएगा तो ज़्यादा फ्लड पानी आ जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये मैं कह रहा था, ये जो इसका जो बेसिन है, धीरे धीरे इसमें मिट्टी भर जाती है, तो इससे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये नेचुरल है कि यहाँ पे भी फिर पानी चढ़ जाएगा, थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ का जो मिट्टी है वगैरह निकालेंगे, उसकी ड्रेजिंग करेंगे, देन ओबियसली जो कैपेसिटी ऑफ द रिवर है वो फ्लोइंग फॉर द फ्लोइंग ऑफ द फ्लड वाटर इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग के रिलेटेड, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हम कोई फोरकास्ट जैसे ऐप बनी है फ्लड इरिगेशन की डिपार्टमेंट की, उनने पहले डेटा कलेक्ट करना है, जैसे गेजेस लगे हैं, मीटर्स लगे हैं रिवर्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे वो मेजर करते हैं कितने बजे कितना लेवल पानी का था, मीन दैट इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा हमने कलेक्ट किया, तो इसमें एक एग्जांपल मैंने गेज के या प्रोब भी रख सकते हैं, प्रोब ऑटोमेटिकली पूरा डाटा कलेक्ट करता है फिर ट्रांसमिट करता है, वो पूरा ऑटोमेटिक होता है। जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके पास एक पूरा उसका एक मेट डिपार्टमेंट का वो पूरा सेटेलाइट के साथ कनेक्टेड रहता है, वो पर सेकंड हर किसी सेकंड में डेटा भेजता है, तो एक मैनुअली भी होता है, फिर वो अपलोड करते हैं, देन मैच करते हैं, दैट इज डेटा कलेक्शन। फिर ट्रांसमिट करना फ्रॉम डिपार्टमेंट, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे या रेडियो पे वो इश्तहार देंगे, रेडियो पे अनाउंस करेंगे, टीवी पे अनाउंस करेंगे, सोशल मीडिया बिगेस्ट जो अभी जो जरिया है लोगों को इन्फॉर्म करने का, उस पर अपलोड करते हैं।
फिर ये पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर ये एनालिसिस फॉर्मुलेशन लगाते हैं कि आगे 24 घंटे में या 2-3 दिन में कितना पानी बढ़ने की गुंजाइश है, बढ़ने का अंदेशा है अगर बारिश ऐसे ही होगी, फिर वो उस टाइप के फोरकास्ट को फॉर्मुलेट करना है, फिर उस फोरकास्ट को डिसमिनेट करना। यहाँ पे भी डिसमिनेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या लेवल है। फिर फोरकास्ट, जैसे डिपार्टमेंट, जैसे जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, वो क्या करते हैं, सेटेलाइट्स से जो इमेज लेते हैं, जो क्लाउड्स की इमेज क्या लेते हैं, उसका क्या टेम्परेचर है, पूरा सेटेलाइट से होता है। एंड प्लस जो उनके स्टेशंस है वो भी अपडेट करते हैं डेटा, फिर वो पूरा एनालाइज करते हैं, हवा में मॉइस्चर कितना है, बादल में कितना मॉइस्चर है, विंड की स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, उससे वो एनालाइज करते हैं पूरा कि आगे आने वाले दिनों में कितनी क्या बारिश हो सकती है, हवा का रुख किस साइड है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये पूरा फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आगे एक दो हफ्ते में बारिश आने वाली है या स्नो आने वाला है। तो वैसे ही फ्लड्स के रिलेटेड भी इस टाइप के फोरकास्ट होते हैं। फिर फ्लड फोरकास्ट में डाटा कलेक्शन में क्या क्या होते हैं, मैंने अभी कहा, अभी ब्रीफली मैंने समझाया। हाइड्रोलॉजिकली हम रिवर वाटर लेवल्स को करते हैं, वाटर डिस्चार्ज कितना होता है, वीर्स वगैरह जो अगर कश्मीर में भी उसको वीर बोलते हैं एंड इंग्लिश में भी उसको वीर बोलते हैं, बेसिकली वो रिवर डिस्चार्ज कितना पानी रिवर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना वाटर डिस्चार्ज करता है वो मेजर करता है। फिर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डिफरेंट वाटर जो इंस्ट्रूमेंट जैसे मॉइस्चर वगैरह मेजर करते हैं, रेन गेज जो है रेनफॉल मेजर करता है, प्रेसिपिटेशन जो पैन इवेपोरेटर एक पूरा एक ड्रम होता है उस पे वहाँ से जो प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन है तो ये पी इसका यहाँ पे मिसिंग है, तो वो मेजर करते हैं। फिर स्नो हेल वगैरह ये पूरा वो मेजर करते हैं। तो उसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन हम कैसे कर सकते हैं, वायरलेस, टेलीफोन, फैक्स, सैटेलाइट, टेलीग्राफ या टेलेक्स, ये सब एक्टिविटी से कर सकते हैं ट्रांसमिट। तो जैसे फोरकास्ट क्या होता है, सिविल अथॉरिटीज़ को हम भेजते हैं, फिर वो अदर एजेंसीज़ को भेजते हैं, या सिविल अथॉरिटीज़ बेसिकली हमारे जैसे PHE डिपार्टमेंट है सिविल अथॉरिटी, या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो है सिविल अथॉरिटी, वो डिफरेंट एजेंसीज को भेजते हैं, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं, या सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, प्रेस को भेजते हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो को भेजते हैं, देन अदर जो भी एक्टिविटीज़ है, ये फोरकास्ट का एक मैकेनिज्म होता है, वो कैसे फोरकास्ट डिसमिनेट कर सकते हैं। तो ये पूरा फ्लड कंट्रोल जो रूम होता है उसमें क्या क्या होता है, ये पूरा वही एनालाइज करते हैं जो हमने कहा, डेटा को पहले एक्यूमुलेट करते हैं कितना क्या डिस्चार्ज हुआ, फिर वही फॉर्मुलेट ऑफ फोरकास्ट फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजते हैं, वो फिर डिफरेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री, रेलवे, डिफेंस, जैसे अगर उनको लगेगा कि किसी एरिया में फ्लड जाने आने आने वाला है तो वो ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, या वहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी तो उनको इवैक्यूएट करेंगे। जो रेलवेज है वो वहाँ पे जैसे फॉग होता है, फॉग में नॉर्थ इंडिया में जैसे फॉग होता है मार्च जनवरी टू फरवरी, तो उससे की वजह से मैक्सिमम ट्रेन डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द जो फोरकास्ट किया जाएगा कि अगले 10-15 दिन में फॉग ज़्यादा रहेगा तो दे ऑलरेडी कैंसिल ऑल द ट्रेन्स। जो ये फॉर का फिर ऐसे एक्टिविटी, फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो रेडियो दूरदर्शन वहाँ से भी जो फॉरकास्ट डिसिमिनेट न्यूज़ होता है। तो ये पूरा एक जो है एक फ्रेमवर्क है कैसे फ्लड फोरकास्टिंग एंड कंट्रोल जो रूम्स है वर्क करते हैं। उतना ही ये नहीं है, आप भी देख सकते हैं इसके इनपुट्स क्या क्या है, इसके आउटपुट्स क्या क्या है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो चेयरमैन के अंदर है, इस में डिफरेंट जो लेवल्स पे डिजास्टर को मैनेज किया, जैसे हमने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर बताया अपने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर ज़िला लेवल पे ये सब जो है पूरा कमेटी सेटअप करते हैं जब भी ऐसा कोई आफत आने वाली, बट ये बेसिकली सेटअप किया गया होता है, बट जब भी कोई डिजास्टर आता है इनको फिर हरकत में आना पड़ता है। बेसिकली इनका जो एक्टिविटी होता है ये इनको हमेशा मॉनिटर करना होता है, फ्लड जो एक्टिविटीज़ हो रही है, फ्लड के रिलेटेड क्या, और जैसे अभी
पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव स्टार्ट की कि स्नो से पहले ही वो जितने भी ट्रीज के जो ब्रांचेस है जो एसटी लाइन के ऊपर है तो उनको प्रून किया जाए, तो उसके रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। दैट इज़ कॉल्ड कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहले ही वो मतलब तैयार रहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी स्नोफॉल हुई पिछली बार नवंबर में तो पूरा बिजली चली गई थी, तो दैट इज़ ऑल्सो डिज़ास्टर द स्नोफॉल। उस टाइम वो 2 4 दिन लाइट नहीं थी, रोड्स ब्लॉक थे हफ्तों भर, तो ऐसे प्रोएक्टिव अप्रोच करने के लिए ये हमेशा एक्टिव रहते हैं कि फॉर पर्टिकुलर डिज़ास्टर वी शुड बी रेडी। फ्लड मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या स्कोप है, फिर इसमें रिमोट सेंसिंग जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़ास्टर के रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इसमें स्कोप है, मतलब इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं आगे फ्लड मैनेजमेंट में, बेसिकली वेदर रेनफॉल फोरकास्टिंग है, मॉडलिंग है फ्लड फोरकास्ट मॉडलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क जो है इंटर स्टेट रिवर्स जो बेसिन्स है उनको कवर करता है। अभी हमारे जो इंडिया में है 166 स्टेशंस हैं और पूरा उनको मॉनिटर करते हैं, जो भी बेसिन्स वगैरह है उनके फ्लो को मॉनिटर करते हैं। सबसे ज़्यादा रिवर गंगा पे है मॉनिटरिंग फोरकास्टिंग स्टेशन, फिर ब्रह्मपुत्र पे, और वैसे ही डिफरेंट आई गेस रिवर जहलम पे भी होंगे कुछ मॉनिटरिंग स्टेशंस, फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस जो फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लगाए होंगे। फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशंस ये सबसे ज़्यादा यूपी में है, बिकॉज गंगा जो है मेनली यूपी में बहता है, फिर बिहार, आसाम में, आसाम में ब्रह्मपुत्र बहता है। तो फिर फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, हमें फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स द फ्लड मैनेजमेंट, बेसन वाइज एक्शन प्लान, बेसन वाइज डिफरेंट जो रिवर बेसन्स है उनका डिफरेंट एक्शन प्लान है, जैसे गंगा का अलग एक्शन प्लान है, जहलम का अलग होना चाहिए, चिनाब का अलग होना चाहिए, फ्लड प्लेन जोनिंग, ये जैसे अभी हमने 1 3 मतलब जोन 3 2 एंड 1 जो हमने अभी बोला, रोल ऑफ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, जो बेसिकली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उस जो अप्रोच होना चाहिए ऑन द ग्राउंड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है रिलेटेड टू फ्लड्स, फंडिंग, फिर प्लेन फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स उसके लिए फंडिंग, फिर एडवोकेसी, फ्लड जो रिजर्वायर्स है उनके लिए जो फंड्स का मेंटेनेंस वगैरह उसके लिए, तो ये और भी है बट आई गेस जो ये वाला है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्यूचर स्ट्रेटजीज। तो ये था हमारा जो फ्लड डिजास्टर।